में थोड़ा सा कम ही हो रहा है, लेकिन जैसे मेनोपॉज आता है 45-50, उसके बाद ज़्यादा हो जाता है। जब हमारे हार्मोन्स बनना बंद हो जाता है तब इसका फ़र्क बहुत ज़्यादा होता है। और जब हम मिल्क फीडिंग का एज ख़त्म हो जाता है, जो ब्रेस्ट टिश्यू नया बनता है उसकी कमियाँ आने लगती है, तब जो कैंसर वाला सेल बनता है उसी के सेल के उसकी सेल की ग्रोथ ज़्यादा होने लगती है। क्योंकि शरीर में कहीं ना कहीं हम फिजिकल वर्क कम करना बंद करते हैं, खाने पीने पे ध्यान नहीं देते हैं, एक्सरसाइज लेवल कम हो जाता है, और हार्मोन्स की चेंजेस की वजह से जो 45 के बाद उसकी ज़्यादा बढ़ जाती है। ऐसा कह सकते हैं कि मेनोपॉज के सिचुएशन में महिलाओं में कई तरह की बीमारियां होने की संभावना होती है, उनमें से एक होता है ब्रेस्ट कैंसर। हाँ, मेनोपॉज में तो सारी बीमारियाँ होती है, ब्रेस्ट कैंसर के साथ साथ सर्विकल कैंसर एंड और ऑस्टियोपोरोसिस वगैरह, चूँकि हार्मोन्स ही काम करना बंद करते हैं तो हड्डियों में भी कमी आती है। तो ब्रेस्ट कैंसर आज के दिन में मौत का सबसे पहला कारण माना गया है, जबकि इसका प्रिवेंशन भी थोड़ी अवेयरनेस हो तो बहुत आसान है, और चूँकि जल्दी डिटेक्ट हो जाता है। किसी भी कैंसर को हम डिटेक्ट नहीं कर सकते जब तक कि थर्ड फोर्थ स्टेज पर नहीं जाता। ब्रेस्ट कैंसर को हम जल्दी डिटेक्ट कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखें तो उसके ब्रेस्ट रिमूवल के साथ साथ उसका जो उम्र है काफ़ी बढ़ाई जाती है लेडीज़ की, तो इसके रिजल्ट भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन तब भी सबसे ज़्यादा महिलाओं की मौत हो रही है। और 20%, समझिए कि 100 में से 20 लोगों को तो हो ही रहा है, होना ही है।